अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशन। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दैट चैप्टर। फाइन, एज लॉन्ग एज द न्यूमेरिकल नंबर एक्सरसाइज नंबर 13-1 इज कंसर्न ऑन पेज नंबर 528, वी आर गोइंग टू स्किप दैट एक्सरसाइज। फाइन, देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज 13-2। ठीक है, 13-2 में दे हैव गिवन यू अ सर्टेन आइडिया कि अलोहा कॉरपोरेशन इशूज 6,000 शेयर्स ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक्स। अलोहा कंपनी ने 6,000 शेयर्स इशू किए हैं कॉमन स्टॉक के फॉर 1,44,000। अब उन्होंने वैल्यू आपको दे दी है, यानी उन्होंने उसके पार वैल्यू आपको नहीं बताई। दे हैव गिवन यू द वर्थ ऑफ द शेयर, यानी उन्होंने कितने के शेयर किए हैं, 1,44,000 के, यानी कॉमन स्टॉक 1,44,000 से बढ़ जाएगा और 6,000 और इसी के इतने ही पैसे हमारे पास आ जाएंगे। कैश इज एन एसेट, एसेट विल इंक्रीज, इट विल बी इन द डेबिट साइड, और कॉमन स्टॉक हमारे क्या होते हैं, इक्विटी है, इक्विटी बढ़ गया, इट विल बी इन द क्रेडिट साइड। ऑन फेब्रवरी 20 को हमारी होगी। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस इवेंट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट सिचुएशन। उन्होंने कहा ये एक एक्टिविटी हुई है कि 6,000 शेयर्स को 1,44,000 पे हमने इशू किया, इसकी एंट्री पास करके दिखाएं। पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या दिया, द स्टॉक हैज़ नीदर पार नॉर स्टेटेड वैल्यू, यानी बस आपने सिंपल सा ही बताना है कि 1,44,000 का शेयर्स इशू किया, उसकी पार वैल्यू आपको नहीं दी गई। ठीक हो गया, सो वी हैव एक्सरसाइज 13-2। ठीक हो गया, हमारे पास हमने कितने 1,44,000 की शेयर्स इशू किए हैं, कैश हमें मिला है, कैश इज एन एसेट, एसेट विल इंक्रीज, इट विल मीन द डेबिट साइड विद 1,44,000। ठीक हो गया, उसके बाद कॉमन स्टॉक हमारा इशू हुआ। ठीक है, कॉमन स्टॉक इज एन एसेट, इज एन इक्विटी, इक्विटी बढ़ रही है विद 1,44,000। ठीक हो गया, 1,44,000 के साथ। ठीक हो गया, ये हमारी पहली एंट्री पहली सिचुएशन के मुताबिक हो गई। उसके बाद दूसरी सिचुएशन, वो कहते हैं कि यू कंसीडर दैट द शेयर्स हैज अ पार वैल्यू ऑफ $20, यानी हमारी जो हमने 1,44,000 की चीज़ इशू की है उसमें पर शेयर की वैल्यू क्या थी, $20 थी। अच्छा, अगर हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 6,000 शेयर्स, तो अगर इसे 2 को 6, इट विल बी 1,20,000 शेयर्स, यानी अगर हम इस 20 पार वैल्यू के हिसाब से शेयर्स को इशू करें 6,000 शेयर्स को, तो टोटल वर्थ जो उन शेयर्स की बनती है वो बनती है 1,20,000 की। ठीक हो गया, अब ये बात याद रखिएगा कि अगर हम इसे 1,20,000 के साथ शेयर्स को इशू करते हैं, तो आप ये देख लें कि यानी वर्थ उसकी कितनी है, 1,20,000, लेकिन हम उसे कितने में शेयर कर रहे हैं, 1,44,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 24,000 का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को हम क्या कंसीडर करते हैं, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। ठीक है, इसे पेड इन कैपिटल कंसीडर किया जाता है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे एंट्री क्या पास करते हैं, कैश हमें कितना मिला, कैश इज एन एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, इट विल बी इन द डेबिट साइड विद 1,44,000। ठीक है, कॉमन स्टॉक हमारा कितने के साथ इशू हो रहा है, 1,20,000 का कॉमन स्टॉक मार्केट में जा रहा है, इक्विटी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। आप लोगों ने पूरी चीज़ लिखनी है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाते हुए शॉर्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ कि पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक, यानी कॉमन स्टॉक हमने कितने का एक्सेस अमाउंट दे रहे हैं, 24,000 का एक्सेस अमाउंट दिया जा रहा है। ठीक हो गया, ये हमारी बी हो गई। इसके बाद तीसरी कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या दिया है कि यू हैव अ स्टेट स्टॉक हैज़ $8 स्टेटेड वैल्यू, आपके स्टॉक की $8 क्या आ रहा है, स्टेटेड वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया, अब आप ये देखें कि हम इसमें इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, कितने का शेयर, कितने 6,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं और उसकी वर्थ कितनी है, $8 की, इसके 8,600 तकरीबन $48,000 हमारे पास क्या आ रहा है, उसकी वर्थ बन रही है, और हम पैसे कितने ले रहे हैं, 1,44,000 की। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें, 96,000 तकरीबन क्या आ जाएगा, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक। तो एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट, कैश इज एन एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग विद 1,44,000। ठीक है, कॉमन स्टॉक हमारा क्रेडिट होगा कितनी अमाउंट के साथ, 48,000 के साथ। ठीक हो गया, उसके बाद पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक कितनी अमाउंट के साथ आ जाएगा, 96,000 से। दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 13-2। ठीक हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 13-3 डिस्कस करते हैं।
13-3 के अंदर उन्होंने हमें एक एंट्री दी है कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग फोर इशुएंस ऑफ सेपरेट इशुएंस ऑफ स्टॉक, चार डिफरेंट सिचुएशंस दी हैं और कहते हैं हमें एंट्रीज पास करके दिखाएं। 2000 शेयर, 2000 शेयर ऑफ नो पार कॉमन स्टॉक आर इशूड टू द कॉरपोरेशन प्रोमोटर इन एक्सचेंज फॉर देयर एफर्ट एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 30,000। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हमने बात की थी ड्यूरिंग द चैप्टर के कुछ हमारे लोग हमारे लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने किसके हवाले से बात की है, कंपनी के प्रोमोटर्स, कंपनी के प्रोमोटर्स कह लें या जो भी आप कह लें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के लिए कुछ सर्विसेज देते हैं, उन सर्विसेज की हमने उनकी फ़ीस देनी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें फीसेज नहीं देते हैं, उन्हें एक्सपेंसेस नहीं देते, हम ऑर्गेनाइजेशन के मतलब खर्चा तो होता है उनकी सर्विसेज का, हम लेकिन उन्हें खर्चे नहीं देते, हम उन्हें कैश नहीं देते सॉरी, लेकिन हम उन्हें क्या कह देते हैं कि सर आपने हमारे लिए सर्विस दी है फाइन, आप इसके बदले ना हमसे कुछ शेयर्स ले लें। यानी कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े, कैश कम होना चाहिए था, कि एक्सपेंसेस बढ़ने पर डेबिट साइड पर जाएगा, कैश कम होने पे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हम उन्हें पैसे दे रहे हैं। बट इन दैट सिचुएशन हमने उन्हें क्या कहा कि सर वी आर नॉट इन अ सिचुएशन इन अ कंडीशन टू पे यू कैश, हम आपको कैश नहीं देते, क्या करते हैं कि आप हमसे हमारे आपने एक्सपेंस किया है फाइन ठीक है, लेकिन आप ऐसा करें कि आप ना हमसे इसके बदले कुछ ना शेयर्स ले लें। वो कहते हैं ठीक है फाइन, वी आर रेडी विद डैट। तो अब उन्हें हमने क्या किया कि 2000 शेयर्स ऑफ नो पार कॉमन स्टॉक आर इशूड टू द कॉरपोरेशन प्रोमोटर्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर एफर्ट एस्टिमेटेड टू द वर्थ 30,000। अब हमने यहाँ पे इसकी एंट्री पास करनी है, तो एक्सरसाइज 13-3 ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस बढ़ने पे कहाँ पे जाते हैं, वो डेबिट साइड पे जाते हैं विद $30,000, और कॉमन स्टॉक हमारी कंपनी के इश्यूज हुए विद नो पार वैल्यू 30,000 के साथ, कॉमन स्टॉक इज एन इक्विटी, इक्विटी बढ़ने पे कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पे जाती है। ये हमने फर्स्ट कंडीशन क्या कर ली, पार कर ली। उसके बाद दूसरी कंडीशन में कहते हैं 2000 शेयर्स ऑफ नो पार कॉमन स्टॉक आर इशूड टू द कंपनीज प्रोमोटर इन एक्सचेंज ऑफ देयर एफर्ट एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 30,000, द स्टॉक हैज़ $1 पर शेयर एस्टिमेटेड स्टेटेड वैल्यू। उन्होंने कहा कि जो शेयर 2000 शेयर हमने इशू किए हैं $1 पर शेयर उसकी स्टेटेड वैल्यू है ठीक है। यानी कॉमन स्टॉक की अगर हम $1 के हिसाब से देखा जाए, 2000 शेयर हमने इशू किए हैं, जो टोटल वर्थ है कॉमन स्टॉक की वो $2,000 है, लेकिन हम उन्हें 30,000 के बदले सिर्फ 2000 के शेयर्स दे रहे हैं, तो हमें कितने का फ़ायदा हो गया, 28,000 का हमें पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार आ गया। अब यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट ठीक हो गया विद $2,000, और कॉमन स्टॉक इशू हुआ कितने, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हुए $30,000 के, कॉमन स्टॉक हमारा इशू हुआ कितने के साथ $2,000 के, और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक कितने का आ गया, 28,000 का आ गया। ये हमारी दूसरी एंट्री पास हो गई इसी एक्सरसाइज की। तीसरी सिचुएशन में वो हमें क्या कहते हैं कहते हैं कि 4000 शेयर्स ऑफ $10 पार वैल्यू कॉमन शेयर आर इशूड फॉर $70,000, 4000 शेयर $10 के, 4000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 40,000 के शेयर्स हम इशू करें, लेकिन हम पैसे कितने ले रहे हैं 70,000 के ले रहे हैं, तो हमारे पास कैश कितना आ जाएगा, थर्ड एंट्री में हमने कैश लिया 70,000 के साथ हमारा कैश आ गया ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉमन स्टॉक हमारा कितने का आ गया, $40,000 के साथ, कैसे $40,000 के साथ, कि हमने 4000 शेयर्स इशू किए हैं $10 पार के हिसाब से, $40,000 हमारा क्या आ गया, कॉमन स्टॉक आ गया, और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक कितने का आ गया, $30,000 के साथ हमारी उसकी वैल्यू आ गई ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं चौथी एंट्री के ऊपर। चौथी एंट्री में क्या है, 1000 शेयर्स ऑफ $100 पार, यानी हमने एक 1000 शेयर्स इशू किए हैं जिसकी $100 पार वैल्यू है, यानी टोटल वर्थ कितने की है, $100,000 की है ठीक हो गया। और उससे कितने में इशू किया है, प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया है फॉर $120,000, यानी कैश हमें कितना मिलेगा, $120,000, प्रेफर्ड स्टॉक हमने कितने का इशू किया है, $100,000 का, तो पेड इन कैपिटल कितने का मिलेगा, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर प्रेफर्ड स्टॉक ठीक है, कितने का आ गया, $20,000 का आ गया। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व फोर एंट्रीज, जिसमें हमारी पहली एंट्री क्या थी कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोमोटर्स यानी उन्होंने सर्विसेज दी, उनकी एक्सपेंसेस हमने, उन्होंने हमारे लिए कुछ काम किया, हमने उसके बदले उन्हें क्या दिया, उनके खर्चों के 30,000 के हमने उन्हें
एक्सपेंसेस हुए और कॉमन स्टॉक भी हमने 30,000 का ही उन्हें दे दिया, ठीक हो गया। अगली कंडीशन में क्या था कि हमने $1 स्टेटेड वैल्यू के साथ $2,000 के उन्हें शेयर्स दिए, जबकि उनसे काम कितने का लिया, $30,000 का। हमारी एक्सपेंसेस $30,000 से बढ़ गए, कॉमन स्टॉक सिर्फ 20,000 और पेड इन कैपिटल कितना आ गया, 28,000। इन 30 एंड 2,000 का डिफरेंस 28,000। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास क्या आई कि हमने 70,000 के कॉमन स्टॉक इशू किए, 70,000 कैश के, लेकिन कॉमन स्टॉक की अपनी वर्थ कितनी थी, 4,000 शेयर्स थे और $10 पर शेयर उसकी वर्थ थी, $10 पर वैल्यू थी। तो टोटल कॉमन स्टॉक की वर्थ कितनी थी, $40,000 के, लेकिन हमने उन्हें कितने भी इशू किया, $70,000 पे। तो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक कितने का आ गया, $30,000 का आ गया। उसके बाद हमारे पास 1,000 शेयर्स थे, $100 पर शेयर हमारे पास क्या आया, उसकी वर्थ आई। तो हमारी टोटल उसकी कितने आ गया, $100,000 हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक की वर्थ थी। हमने उन्हें कितने में इशू किया, $120,000 से। $120,000 से हमारा कैश क्या हो गया, बढ़ गया, प्रेफर्ड स्टॉक हमारा बढ़ गया विद $100,000 से। और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, यानी हमें ज़्यादा पैसे कितने मिले, $20,000 का। तो हमने $20,000 हमारा क्या आ गया, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा जो 13-4 है वो हम स्किप करेंगे और 13-5 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।